Look at the view, man. Hey guys, this is Himanshu. I'm a travel vlogger. Today we are early morning. We are going to Valley of Stars. तो गाइस यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के दो रास्ते कटते हैं. ये वाला जो है हेमकुंड को जा रहा है और ये जा रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए. और यहाँ से अराउंड जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो दिखा रहा है 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर दिखा रहा है. वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ता कटा हुआ है. स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पथरीला है एज यू कैन सी. और आपको एक और चीज़ बतानी थी, अगर आप लोग ट्रैक नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ये जो कंडी में बैठा के लोग ले जाते हैं वहाँ पर उसका चार्ज है अराउंड 3000 दोनों साइड का आने जाने का वैली ऑफ फ्लावर्स का. और अगर आप लोग हेमकुंड साहिब की साइड जा रहे हो तो वहाँ को खच्चर वगैरह शायद चलते हैं, उसका मुझे चार्ज पता नहीं, हमने पूछा नहीं था, बट वो अवेलेबल है वहाँ पे. सो गाइस वैली ऑफ फ्लावर में एंट्री करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. उसमें एक गवर्नमेंट आईडी लगती है प्लस 150 रुपये पर हेड चार्ज पड़ता है. जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ऑफिस है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. प्लस अगर आप लोगों को गाइड कराना है तो आपको घांगरिया से ही गाइड लेकर आना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे गाइड अवेलेबल नहीं है. सो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी है, जो फूलों की घाटी है वहाँ से अगर आप लोग यहाँ 5 बजे तक नहीं पहुँचे या उससे लेट हो गया तो आपको 10,000 रुपीज़ फाइन और प्लस 5 साल का कैद भी हो सकता है. 7 साल की कैद भी हो सकती है. और तो इसलिए टाइम से जाएं और टाइम से वापस आ जाएं. अब यहाँ से जो आपको पुल दिख रहा छोटा सा इसको क्रॉस करके एकदम खड़ी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है. सो गाइस पुल के बाद ऐसा रास्ता स्टार्ट हो जाता है, एकदम ट्रेल्स है और एकदम खड़ी चढ़ाई. सो गाइस पुलिया के बाद फूल दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और आप चाहो तो फोटोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं. ज़्यादा अच्छा ये होगा कि अगर आप लोग ज़्यादा टाइम जो है वो फूलों की घाटी के अंदर लगाएं बिकॉज वहाँ आपको इससे ज़्यादा अच्छे फूल देखने को मिलेंगे और इससे अच्छा नज़ारा होने की हमें भी उम्मीद है. फिलहाल रास्ता तो आप देख ही रहे हो कैसा है, पेड़ भी टूटा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा कल रात पूरी घनघोर बारिश हुई है तो कीचड़ हो रखा है थोड़ा थोड़ा. तो गाइस थोड़ा सा और आगे चल के बेहतरीन नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ. यहाँ से अलकनंदा नदी जो है बह रही अपने उफान पर और यहाँ से जो एक रास्ता है जो पुलिया को जाता है वो थोड़ा सा टफ है, बिल्कुल पथरीला रास्ता है और ऊपर से एकदम से डाउन है. सो केयरफुली आए. अलकनंदा नदी का जो बड़ा वाला पुल था उसमें बहुत शोर हो रहा था, वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया, बट अब उसके बाद एकदम चढ़ाई स्टार्ट हो गई है. और मजा आ रहा है. यस अमित भाई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. यस तो हालांकि अभी ज़्यादा फूल वगैरह दिखने स्टार्ट नहीं हुए, आई थिंक 4.5 किलोमीटर और रह गया है. अमित और मिनोरी जी आगे निकल गए. तो बेसिकली जब भी ट्रैक पे जाओ अपने हिसाब से और लोग कोई जल्दी नहीं जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए,
जैसा आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उस हिसाब से चलो। अगर आपको लग रहा है कि रेस्ट की जरूरत है जरूर रेस्ट है, स्ट्रेच करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम इतना स्लो चलोगे उतना बेस्ट। थोड़ा सा आगे चलने के बाद एक अमेजिंग रिवर क्रॉसिंग है, बेसिकली झरना है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ से ग्लेशियर का भी व्यू है। एक्चुअली अभी क्लाउड्स लग गए हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट यहाँ से जो रास्ता है वो बिल्कुल अब सीधा रास्ता स्टार्ट हो गया है। इससे पहले एकदम स्टीप था और लिटरली बता रहा हूँ बाबा ट्रैक तो मॉडरेट है, बाबा ट्रैक मॉडरेट है, सीरियसली बहुत चढ़ाई है, खतरनाक ट्रैक है भाई साहब सीरियसली, बट अभी थोड़ा ठीक हो गया है। सो अभी चलते हैं फटाफट आगे, कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुंच जाए ताकि वहाँ पे टाइम स्पेंड कर ले थोड़ा। और अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, मुझे थोड़ा नीचे फोकस करके चलना पड़ रहा है बिकॉज रास्ता थोड़ा पथरीला है। ये देखिए तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है। और ये देखो कितने सुंदर मौसम है, क्लाउड्स पूरे बह रहे हैं, वाह। ये है वादियाँ यार उत्तराखंड की, इसे कहते हैं सुंदर वादियाँ उत्तराखंड की, वाह। तो भाई चलते चलते हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स के थोड़े नज़दीक पहुंच गए, और अभी हमें चलते चलते कुछ लोग मिले जो दिल्ली से ही आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष। जोर से बोलो थोड़ा। आशीष कहाँ से आए हो? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ आंध्रा में, उधर से इधर आया हूँ भैया के पास। भैया आई एम अशोक कुमार फ्रॉम दिल्ली राजेंद्र नगर। तो मजा आ रहा है ट्रैक में? बहुत मजा आ रहा है, व्यू ऑसम है। तो बारिश ना हो तो और मजा आएगा। हाँ बारिश तो नहीं होगी, खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, पॉजिटिव रहते हैं, बी पॉजिटिव। और कल का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कल का प्रोग्राम है हेमकुंड करेंगे। हाँ एंड वी विल रिटर्न दिल्ली। दिल्ली यार हम लोगों का भी मन तो था हेमकुंड का, बस क्या करें दिल्ली जाना है मंडे को कैसे भी, एनी हाउ ऑफिस के बहुत सारे काम है, अदरवाइज ऑफिस वाले बोलेंगे कि भाई तू वहीं चले जाओ। चलो चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर, देखते हैं कितना अच्छा व्यू देखने को मिलता है वहाँ पे। तो गाइस झरने के बाद स्टार्ट हो जाती है फूलों की घाटी, द वैली ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ से घाटी में आप कितना अंदर जा सकते हैं, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके ऊपर है। और यहाँ पे वेदर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, लेट्स सी कितना एक्सप्लोर हम लोग कर पाते हैं। वाओ हालांकि पूरे क्लाउड्स लगे हैं तो व्यू इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, बट एज यू कैन सी फ्लावर्स। गाइस यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है, वैली स्टार्ट होती है यहाँ पे, आप रुक के अगर बारिश वगैरह हो रही हो तो या फिर रुक के यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। और जस्ट इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है वैली ऑफ फ्लावर्स का रियल ट्रैक। तो गाइस फूलों की घाटी में एंट्री तो हमने कर ली है, बट इतने इंटरेस्टिंग अभी तक फ्लावर्स देखने को मिले नहीं है, वही सेम फ्लावर रिपीट हो रहे हैं। लेट्स सी कुछ किलोमीटर्स अंदर जाने के बाद कुछ अलग फूल दिखते हैं, तो अभी तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। सो गाइस थोड़ा सा हम अंदर आ गए हैं और लकीली क्लाउड्स भी थोड़ा हट गए हैं, तो थोड़ा व्यू देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वैली बिल्कुल ग्रीन है और फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं, हालांकि इतना आइडिया नहीं लग पा रहा है कौन से फ्लावर्स कौन से हैं, और ज़्यादा खिले भी नहीं है फ्लावर्स बिकॉज ऑफ कल रेन बहुत ज़्यादा हुई थी, रात भर बारिश हुई है तो मे बी उसकी वजह से थोड़े फ्लावर्स कम दिख रहे हैं। मैं थोड़ी फोटोग्राफी स्टार्ट कर देता हूँ जब तक आप लोग यहाँ का व्यू का आनंद उठाइए।
चलते चलते यहाँ पर एक झरना आ जाता है, इससे आगे हम लोग नहीं गए। अगर अगर आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप इससे आगे भी जा सकते हैं। सो इस तरह से हमारा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक यहाँ पर होता है ख़त्म, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस ट्रिप से रिलेटेड, इस ट्रैक से रिलेटेड, इस वीडियो के लिए कोई भी सजेशन है सो कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। अगर आप लोगों को देखना कहाँ तक जाना है और कैसे जाना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अभी हम लोग शायद कहाँ तक गए थे, वाटरफॉल तक तो गए थे। कौन सा वाटरफॉल था?